बिना कोई गलत काम किए सही रास्ते पर चल करके नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंचा जाता है वो आप सब अब प्रैक्टिकली देखोगे। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो सपने बहुत देखते हैं बड़े बड़े कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जब करने की बारी आती है ना वो पाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन अपना खोना कुछ भी नहीं है। दूसरी तरह के लोग हैं जो वो करने के लिए जो वो करना चाहते हैं अपनी जान लगाने को तैयार है। अगर आप इस दूसरी कैटेगरी में हो तो रेवोल्यूशन इंडिया आपके लिए है। जब हर आदमी बजाय बाहर देखने के अपने अंदर झांक करके देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि वो अच्छाई जो मैं अभी आपकी आंखों में देख रहा हूं, आपकी आंखों में देख रहा हूं, झांक करके आपके दिल के अंदर देख रहा हूं, वो अच्छाई है बस छुपी हुई, दबी हुई, सहमी हुई, डरी हुई, सोई हुई, उस अच्छाई को जगाना है। वो आदमी चेंज करेगा, वो आदमी बदलाव लेकर के आएगा। अरे वो कुछ करता क्यों नहीं है? अरे इस उंगली को पकड़ करके ऐसे मोड़ना है और बोलना है मैं बदलाव लेकर के आऊंगा। रेवोल्यूशन इंडिया आ रहा है, एक नई सदी की शुरुआत हो रही है। रोक सको तो रोक लो। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी के जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चांसेस हो सकते। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1,00,000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। यू विल बी अनस्टॉपेबल। सबने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। एक आदमी चाहे, एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, वो ही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। सिर्फ इल्यूजन बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर फोकस करना पड़ेगा। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1,000 बार गिरेगा।
खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। आपका पूरा फ्यूचर उस एक डिसीजन पर डिपेंड करने वाला है कि उसमें आप क्या चॉइस लोगे। गलत चॉइस ले ली, फंस गए। सही चॉइस ले ली, जिंदगी बदल गई। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है, आपसे करवाना चाहती है। इस इंसान में ये करेज नहीं है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन खुद ले सकूं। वो जिंदगी में क्या करेगा, जिंदगी में क्या करेगा। मान लो एक्सट्रीम केस में मारा भी, आपको हंटरों से मारा, जूतों से मारा, चप्पलों से मारा। एक तरफ है 5 मिनट की मार, एक तरफ है जिंदगी भर मरवाते रहोगे। समझो। आपके घर वाले आपके पीछे पड़े हैं, बेटा कोटा जाओ, कोटा जाओ तैयारी के लिए, IIT में एडमिशन लेना ही लेना है तुम्हें। और आप कह रहे हो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है। चल ठीक है, जा, जो करना है कर। आप करने लग गए, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरे साल में फेल हो गया। इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए, क्या चाहिए? फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होऊंगा? I am the greatest person. Greatest person ever born, ever born on this day, on this day. ये इतना important नहीं है आप बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। Important ये है कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हैं। Feel करो। अगर ये अंदर तक चली गई तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक बार बोलते हैं और अंदर तक फील करके बोलो, आई एम द ग्रेटेस्ट, एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन। बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर से, आई एम द ग्रेटेस्ट, I am the greatest. जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं नहीं मानता। क्योंकि रिस्क नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं इस दुनिया में। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कम यही सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे,
तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया सोचता रह, सोचता रह। आज ना आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा होगा, जितनी आपकी जरूरत है। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना, तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार। अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे थे। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना, तो सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी। क्योंकि ये भी होना आसान है।